बॉलीवुड एलिमिनेशन चैम्बर, सारे के सारे हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार इस चैम्बर मैच में आ चुके हैं अपनी चमक धमक के साथ। फिलहाल कौन पहले आएगा देखेंगे, पुष्पा भाऊ या अमिताभ बच्चन। और मैच की होने वाली शुरुआत और बॉलीवुड चैम्बर होता हुआ आज हमारा, सारे के सारे बॉलीवुड स्टार हैं, काफी खतरनाक बंदे हैं। और सबसे पहले आ चुके हैं चुलबुल पांडे और क्रिस, ओ भाई साहब चालू पांडे जी आ चुके हैं। और यहाँ पे पांडे जी का जिग-जैग लगाया बहुत प्यारा, और यहाँ पे क्रिस भैया गिर चुके हैं। चालू पांडे जी क्या निपटा पाएंगे, और स्टंट हो गए हमारे क्रिश। तो चालू पांडे वर्सेस होता हुआ क्रिश, और यहाँ पे बॉलीवुड चैम्बर चलता हुआ। आज कोई भी डब्ल्यू सुपरस्टार नहीं है, सारे के सारे हमारे बॉलीवुड के योद्धा आ चुके हैं। सबका हो गया यहाँ पे डेब्यू। फिलहाल इससे पहले हमारे पठान भाई का डेब्यू हो चुका था और बाकी सारे प्लेयर का आने का मौका था। तो और फिलहाल यहाँ पे हमारा चैलेंजिंग मैच हुई, जो भी बंदा यहाँ से जीत के जाएगा वो सीधे भिड़ेंगे हमारे तारा सिंह से ऑलिव टाइटल के लिए। तो मैच चालू होता हुआ और फिलहाल चुलबुल पांडे क्रिश भाई का हाथ मुड़ते हुए, और भाई साहब कमर लगा, और यहाँ पे आ चुके हैं अमिताभ बच्चन। हर किसी का बाप होता है और सबके बाप है हमारे अमिताभ बच्चन आ चुके हैं। और फिलहाल पाजी क्या करना चाह रहे हैं, और पाजी पकड़ा, ओ भाई अमिताभ बच्चन पकड़ा यहाँ पे, ओ भाई स्लीपर होल्ड लगा दिया। और चालू पांडे जी को सुलाते हुए हमारे अमिताभ बच्चन क्या सुला पाएंगे, और यहाँ पे चालू पाजी ने बचाया अपने आप को स्लीपर होल्ड से, बच चुके हैं चालू जी और पांडे जी। फिलहाल मैच चरम सुख पे चलता हुआ, अगला प्लेयर कौन आने वाला है, जी हाँ आ चुके हैं हमारे पठान चाचा, पठान जी आ चुके हैं, और पठान शायद क्रिस से भिड़ने वाले हैं। और फिलहाल ओ भाई साहब गजब की फॉरआर्म लगाई मेरे भाई ने, और चार बंदे आ चुके हैं, और इतनी पिन नहीं होने वाला यार अमिताभ बच्चन, ऐसे हार नहीं मानेंगे। फिलहाल काफी खतरनाक प्लेयर है हमारे अमिताभ बच्चन, और चालू पांडे लगातार यहाँ पे डैमेज देते हुए अपनी चलाने की चेष्टा करते हुए, लेकिन अमिताभ लो भाई साहब मुक्ति लगा दिया, और यहाँ पे चालू पांडे जी ने अमिताभ बच्चन को सुनाने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन इतने लिए हार नहीं मानने वाले हमारे अमिताभ बच्चन। और शोले वाला टायर पहन रखा है अमिताभ जी ने, और इधर पठान ने उठा लिया क्रिश को, और आ चुके हैं पुष्पा भाऊ, पुष्पा भाऊ, और यहाँ पे ओ भाई साहब पठान ने सॉरी चालू पांडे दोनों को पेला, क्या गजब का टीम वर्क था दोनों को पेला, लेकिन यहाँ पे सब इस समय एक दूसरे को स्लीपर होल्ड लगाते हुए, क्या बात है। पुष्पा भाऊ ने पकड़ लिया है सल्लू चाचा को, चालू पांडे यहाँ भी बच चुके हैं, और यहाँ पे अमिताभ बच्चन थोड़ा गुस्से में धाड़ते हुए, और यहाँ शायद पुष्पा भाऊ को पटकेंगे। और यहाँ पे हमारा चल रहा है बॉलीवुड एलिमिनेशन चैंबर, जो भी बंदा यहाँ से जीतेगा वो जाके सीधे भिड़ेगा तारा सिंह से ऑलिव टाइटल के लिए। और इस समय हमारे ऑलिव चैंपियन है तारा भाजी, और यहाँ ओ भाई साहब स्टनर लगा दिया अमिताभ बच्चन ने, और पुष्पा भाई चारों खाने चित्त हो चुके हैं, और यहाँ पिन कराते हैं, लेकिन पिन जल्दी होगा नहीं, पुष्पा भाऊ के अंदर इस समय काफी ज्यादा दम है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होना, गजनी आ चुके हैं, गजनी भूल चुके हैं किसको क्या करना, और यहाँ पे गजनी ने पकड़ा चालू पांडे जी को, हर कोई आके चालू पांडे जी को पिल के चला जा रहा है। चालू पांडे जी लग रहा है मैच में बाहर हो जाने वाले, रेजिलेंसी जा सकती है चालू पांडे जी की, और यहाँ पे रेजिलेंसी यूज कर ली चालू पांडे जी, बच चुके हैं, गजनी ने पटका अमिताभ बच्चन ने पटका, और यहाँ पे पुष्पा भाऊ को पेलते हुए हमारे अमिताभ बच्चन, और यहाँ पे छक्का लगा दिया क्रिश ने, पठान हवा में टांगे ऊपर हो पाएगी क्या पठान की, क्या पठान जा पाएंगे, लेकिन नहीं गए पठान, क्रिश थोड़ा सट्टे में आ गए, और यहाँ पे फिर से हमारे अमिताभ बच्चन ने लगा दिया स्लीपर होल्ड पुष्पा भाऊ के लिए। पुष्पा भाऊ थोड़ा सकते में आ सकते हैं, क्या टैप आउट कर पाएंगे पुष्पा भाऊ, और यहाँ पे पुष्पा भाई टैप आउट कर दिए हैं, पुष्पा को कर दिया एलिमिनेट हमारे अमिताभ पाजी ने, क्या बात है। और यहाँ पे पठान ने घुमा दिया, और यहाँ पे चक्कर आ गए, स्टंट कर दिया अमिताभ बच्चन के लिए, और पठान यहाँ पे लेंगे पिन, क्या करवा पाएंगे, क्या हमारे अमिताभ बच्चन अभी बाहर नहीं होंगे, अमिताभ बच्चन खाली पीले पड़े हैं, लेकिन यहाँ स्लीपर होल्ड पे स्लीपर हर बंदा एक दूसरे को सुनाने में लगा पड़ा है, बॉलीवुड के बंदे क्या कर रहे हैं। और गजनी की तो भाई लोग पूरी सजनी बनाने को तैयार है, लेकिन क्रिश को यहाँ पे पड़ चुका है डैमेज, और गजनी भाई उठ चुके हैं, गजनी भाई क्या पेलेंगे, और यही है तुम्हारा भाई जिसने मारा था कल्पना को और गजनी को, समझ नहीं पा रहे कैसे मारा जाए क्रिश को, और क्रिश को थोड़ा डैमेज देते हुए, लेकिन फिलहाल काफी डैमेज पड़ चुका है, पठान का सिर भी पूरा लाल हो चुका है, और गजनी ने पकड़ लिया पठान को, अब क्या अमिताभ बच्चन को पकड़ेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने धकेल दिया है गजनी को बिल्कुल बाहर। इस समय पांच बंदे नजर आ रहे हैं, पुष्पा भाई ऑलरेडी जा चुके हैं, चालू पांडे जी काफी ज्यादा पिट चुके हैं, ओ भाई साहब गजब की ग्रैपल, खतरनाक था यार ये तो, यार लग नहीं रहा, मुझे तो लग रहा है शायद इस मैच में मे भी चालू पांडे, ओ भाई साहब गजब का शॉट लगाया यहाँ पे, शाहरुख को पेल दिया है हमारे सलमान भाई ने, और यहाँ पे गजनी भाई क्रिस को पेल, तुम अरे गजनी पिट गए भाई, तुम्हें मारा कल्पना को, भाई साहब ये हमारा गजनी आज सारा दुश्मनी निकाल लेगा इस चैम्बर में,
लेकिन ये क्रिश है मेरे भाई। और यहाँ चालू पांडे जी अभी तक बैठते हुए किसी से कम नहीं, और यहाँ पे वापसी करी यहाँ पे डीटी लगा दी। और चालू पांडे जी का सब कुछ टूट रहा है, पर यहाँ पे भाई का चश्मा नहीं टूट रहा है, भाई की बॉडी पूरी पीली हो गई। और यहाँ पे ओ भाई साहब अमिताभ बच्चन ने बाहर कर दिया, चालू पांडे जी को भाग रास्ता दिखा दिया है। मुझे चालू पांडे याद आ रहे हैं तारक मेहता वाले, जबकि भाई हमारे चुलबुल पांडे। अब यहाँ पे एसआर के अमिताभ बच्चन और गजनी की क्या किक थी यार, गिरा दिया क्रिश, पूरे स्टंट हो चुके हैं। क्रिश क्या बाहर हो पाएंगे, गजनी और यहाँ पे बच गए क्रिश, क्रिश ने अपना हाथ उठा दिया, क्रिश भैया बच चुके हैं, गजनी भैया पूरा बनाने को तैयार है सजनी क्रिश को। तो क्या क्रिश यहाँ पे खत्म हो सकते हैं, और यहाँ अमिताभ बच्चन भी टक्कर दे रहे हैं पठान को लगातार डैमेज देते हुए। और ये और भाई क्या क्लोज लाइन लगाई, पठान भैया का चक्कर आ गया, लेकिन ये क्या था, मारा किसी को टांगे किसी को टांगे अमिताभ बच्चन ने, क्या क्रिश बाहर हो पाएंगे, लेकिन क्रिश ने भी टांगे हिला दी है और यहाँ पे सिर पकड़ के बैठ चुके हैं। ये क्या हो गया, ये तो सोचा नहीं था, थोड़ा मुश्किल में। और यहाँ पे गजनी ने पकड़ा फिर से, और शाहरुख खान बचता होता हुआ यहाँ पे आमिर खान, तो काफी खतरनाक प्रतिद्वंदी है, दोनों आपस में लड़ाई कर पाएंगे ओ भाई साहब क्या सबमिशन लगाया अमिताभ बच्चन, इतने हाई फाई मूव लगा सकते हैं, और यहाँ पे टांगों को पकड़ लिया है, और शायद भाई को लेग पीस पसंद आ गया है शाहरुख खान का, और यहाँ टांगों को पकड़ लिया है, क्या टैप आउट कर पाएंगे हमारे पठान भाई साहब। और यहाँ पे लात लगाई, बचाया अपने आप को पठान, थोड़ा सा पठान की टांग में थोड़ा सा दर्द कर दिया अमिताभ बच्चन ने। और यहाँ पे हमारे अमिताभ बच्चन क्या फिनिशर लगाएंगे, फिनिशर लगाई लेकिन रिवर्सल कर दिया पठान ने, क्या बात है, बहुत अच्छा हिट करवा पत्थर से दिया। और गजनी और क्रिश की भी यहाँ पे अच्छी खासी जुगलबंदी हो रही है, एक दूसरे को मारते चले जा रहे हैं, कोई बंदा भी तो बाहर नहीं हो रहा। और यहाँ पे पेट में लगाया मुक्का, और यहाँ पे सर फोड़ दिया भाई ने गजनी के, पहले सिर पे इतनी चोट लगी पड़ी, इतना मत मारो बेचारे को, पगला जाएगा, वैसे ही उसकी हालत खराब कर रखी है। और यहाँ पे छक्का लगा दिया अभी सचिन गिर चुके चारों खाने चित्त, क्रिश भाई यहाँ पे कवर लेते हुए क्या टांगे, अरे भाई उठा दी उठा दी उठा दी उठा दी, अमिताभ बच्चन काफी दम है, अमिताभ बच्चन ऐसा हार नहीं मानने वाला, काफी खतरनाक मैच चलता हुआ। अब गजनी को भी बहुत डैमेज पड़ चुका है, ओ भाई साहब क्या लात लगाई, गजनी की रेजिलियंसी जा चुकी है, अमिताभ बच्चन पड़े हैं उल्टे, लेकिन यार अमिताभ बच्चन ऐसे हार नहीं मानने वाले, ये भाई पुराना चावल है, ऐसे हार नहीं मानने वाला, सबसे पुराना चावल है हमारे बॉलीवुड स्टार का अमिताभ बच्चन। और यहाँ पे गजनी फिर से हो गए पगला गए, और यहाँ पे लगातार डैमेज देते हुए और यहाँ पे स्लीपर होल्ड ले लिया है, लेकिन स्लीपर होल्ड को फिर से तोड़ दिया है हमारे अमिताभ चाचा ने, क्योंकि मर्द को नहीं होता दर्द, और ये मर्द सबसे डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या गजब की लात लगाई, लात सॉरी कोड़ी लगाई, लेकिन मिस हो गया, भाई का सिर के पीछे पड़ चुके हैं, हर कोई गजनी के सिर को पेले जा रहा है। और इस बार अगर ज्यादा डैमेज पड़ गया, पता लगा गजनी भाई अपनी याददाश्त पूरी भूल जाए। और फिलहाल क्या, ओ भाई साहब डबल टीम करते हुए क्रिश को पकड़ के पेल दिया, और यहाँ पे क्रिश खड़े नहीं हो गए, क्या बात है, और फिर से डैमेज दिया, लेकिन डैमेज बेकार जा रहा है। और मुझे लग रहा है इस एलिमिनेशन चैम्बर में हमारे अमिताभ बच्चन जीतने वाले हैं, और जो जाएंगे भिड़ेंगे तार सिंह से भिड़ने वाले हैं। और यहाँ पे अमिताभ बच्चन भाई उठाकर पटक दिया गजनी को, बारी है क्रिश की, और क्रिश को उठाकर पटकने की तैयारी में, लेकिन क्रिश ने वहां पर वापसी करी, अमिताभ बच्चन के पेट में लगाए थोड़े से घूस है, और अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा दर्द हो गया है। तो क्रिश क्या कुछ अच्छा, अरे भाई साहब क्या क्लोज लाइन लगाई, चक्कर आ गया अमिताभ बच्चन को, और पेट में भी दर्द हो गया। गजनी यहाँ नंगे पैर क्यों है, भाई को जूते देने चाहिए थे, अरे भाई अपनी फिनिशर लगा रहे थे, लेकिन बच गए हैं। और यहाँ पे सिर पर उठा लिया है भाई को कराते हुए थोड़ी सी, अरे ये क्या था, रनिंग एल्बो लगाई है, गिरा दिया गजनी को, और यहाँ पे स्लीपर होल्ड ले लिया अभिताभ चाचा, और यहाँ पे सुलाने वाले क्रिश को, क्रिश सो जा मेरे मुन्ना, और यहाँ पे सुला दिया है अमिताभ चाचा ने, क्या बात है, मेहनत रंग लाई, लिटा दिया है क्रिश को, क्रिश भैया हो चुके बाहर, और गजनी आ चुका पास, और यहाँ पे क्या क्लोज लाइन लगाई, घुमा दिया अमिताभ बच्चन की दुनिया, घुमा दी हमारे गजनी ने, और क्या, और ये क्या था, भैंस की आंख गजनी ने आके मौके पे लगाया चौका, और मर्द को आज कर दिया दर्द, और कर दिया मैच से बाहर, और जीत चुके हैं हमारे गजनी, सबके फेवरेट गजनी जीत चुके हैं हमारा एलिमिनेशन चैंपियन मैच, और गजनी जाके भिड़ेंगे तारापाजी से ओलिव टाइटल के लिए, काफी खतरनाक मैच था। और यहाँ पे गजनी देख रहे हो भाई के क्रॉस लगे पड़े, रिवेंज है कल्पना, कल्पना वाज किल्ड, ओ माय गॉड। तो मेरे ख्याल से अब अगला टारगेट होगा तारापाजी का, और क्या ये बेल्ट ले पाएंगे, फिलहाल काफी खतरनाक मैच था, मजा आया आज के मैच में, एकदम शानदार मैच। तो गजनी भैया जीत चुके हैं हमारा एलिमिनेशन चैंबर।